लिए स्काई प्राध्यापक तारा मुरली मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाषण का समय है। स्काई प्राध्यापक नारायण कनन जी चेन्नई से आ गए हैं, हम उनको स्वागत करते हैं। कनन नारायण जी ने एयर इंडिया चेन्नई में अधिकारी अनुवाद के काम कर रहे हैं। दक्षिण हिंदी प्रचार सभा से हिंदी में MA MPhil किया है। हिंदी अनुवाद और पत्रकारिता में PG डिप्लोमा किया है। हमारा स्काई योगा में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से MA किया है। हमारा मास्टर गाइड को हिंदी में अनुवाद किया है। आज उनकी शीर्षक मनोसमृद्धि कला तन प्राण मन कांति की हितैषी। शरीर प्राण मन कांति ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अविभाज्य है। शरीर स्थूल है, प्राण मन कांत सूक्ष्म है। मनुष्य जीवन मन मन से ही चलती रहती है। मन दिव्य शक्तिशाली और कीमती है। हमारा गुरु वेदाद्रि महर्षि ने कहा, मन के बिना कोई भी मनुष्य नहीं है। मन को जानने वाला कोई मनुष्य भी नहीं है। मन को समृद्ध करने से मनुष्य का जीवन चमत्कार हो सकते हैं। मन को समृद्ध करना एक कला ही है। आइए हम सुनते कैसे मनोसमृद्धि कला शरीर प्राण मन कांत को हितैषी है। नारायण कन्नन जी, आप अनम्यूट कर आप भाषण को शुरू कीजिए सर। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। चिंतन और स्वास्थ्य को सुव्यवस्थित कर उद्धार करने वाले हमारे पूज्य गुरु जी के चरणों में शतः शतः नमन। स्वागत है भाषण के लिए। आज शीर्षक बना है मनोसमृद्धि कला तन मन प्राण कांत की हितैषी। तन प्राण मन कांत की हितैषी। हित का मतलब शुभ लाभ निकल के आ सकते हैं। शुरुआत में तन का निर्माण या सृजन किस प्रकार होता है? नरेश जी, हमें शेयर स्क्रीन करने के लिए अनुमति है? सुनाई दे रही है? जी समृद्ध सुनाई दे रहा है सर, बट कुछ स्लाइड्स दिखाने वाले स्लाइड नहीं आ रहा है। वही है, शेयर करने के लिए अनुमति है? अभी फुल हाँ जी, स्क्रीन? हाँ जी, आप को होस्ट हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है सर, अभी अभी करते हैं। आप बोलिए कैसा होता है। देखिए, सर दिखता है हाँ दिख रहा है सर, धन्यवाद। हमारे पूज्य गुरुवर के प्रणाम करते हुए शुरुआत करते हैं। अभी ये शरीर का सृजन किस प्रकार हुआ है? शरीर क्या है, मन क्या है, प्राण क्या है, इनके शरीर में कुछ संचालन होते हैं निरंतर रूप से, निर्बाध रूप से चलने वाले संचालन, यानी आप जानते ही हैं, सब लोगों को विदिती है, मूलभूत संचालन त्रय, रक्त संचालन, उष्ण संचालन, वायु संचालन। इन सब के बारे में हम कई बार सुन चुके हैं, कई बार पढ़ा भी चुके हैं। इनके संचालनों में बद्ध हमारा शरीर का निर्माण किस प्रकार हुआ है, यानी सरल ढंग से तन क्या होता है या शरीर क्या होता है, इसे सरल ढंग से, अत्यधिक सरल ढंग से विश्व के सम्मुख प्रस्तुत कराने वाले, करने वाले एकमात्र गुरु हैं हमारे पूज्य गुरु जी।
यानी सर्वजनता, सर्वजनता यानी साधारण जनता भी उससे समझ लें, इस दृष्टि से कला का निर्माण किया गया है, कला का सृजन हुआ है, कला उपयोगी कला के रूप में हमारे जीवनोद्धार के उद्देश्य से महर्षि के चिंतन द्वारा बना निर्मित इस कला के बारे में हम थोड़ा आज जान लेते हैं, एक एक करके लेते हैं। धन का निर्माण या सृजन, प्राण का अस्तित्व यानी प्राण के बारे में बोलते समय कुछ कृत्रिम ढंग से बोलेंगे, प्राण कहाँ है, किधर उसका विराजमान क्या है, कहाँ है उसका अस्तित्व, समझाने में या समझने में कहीं जो है इस विश्व में कई सालों से, सदियों से, हजारों सालों से कुछ कम पाए जाते हैं, वैसे कमियां पाई जाती हैं, इसके कमियों के निवारण के रूप में ये हमारी समृद्धि कला, मनोसमृद्धि कला हमारे सम्मुख, हमारे हाथ मन करों और मनों में आज सुशोभित है। ये कला मन की विराजता कहाँ, मन कहाँ है, मन क्या चीज है, मन किस प्रकार की वस्तु है, वो उपस्थित है या अनुपस्थित है, कहाँ रहकर इस शरीर और प्राण को किस तरह संचालित यानी संचालन में किस प्रकार अपने भाग देता, हिस्सा देता रहता है, इसके भली भांति ढंग से पूज्य महर्षि ने पहली बार साधारण मनुष्य द्वारा समझने की दृष्टि से प्रस्तुत किया है। कांत, ये सब इन सब को पारते हुए कांत यानी आप चुंबकीय तत्व बोलते हैं, जीवकांत बोलते हैं जो बाहर के होते हैं, व्योमकांत बोलते हैं, यूनिवर्सल मैग्नेटिज्म एंड बायो मैग्नेटिज्म, ये चीज कहीं आपको मिल नहीं सकती, ये वस्तुएं इन सब की चर्चा कहीं नहीं होती है, सुलभ ढंग से, अत्यधिक सुलभ ढंग से ये क्या चीज, पहले हित के बारे में बाद में सोचेंगे, ये पहले कौन सी चीज है, क्या चीज है, इसे समझाने की, समझने की प्रयत्न किस प्रकार किया जाए, इस ढंग से इस कला का निर्माण किया गया है। यानी इस कला को सीखने के लिए किसी को स्नातकोत्तर मास्टर डिग्री लेकर आने की जरूरी नहीं है, या उससे बड़ी बड़ी उपाधियां हासिल कर इस कला को समझने के लिए अपने को योग्य बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरल कला है, मधुर कला है, समृद्ध कला है, समृद्ध हर दृष्टि से, धन के लिए समृद्ध, मन के लिए समृद्ध, प्राण के लिए समृद्ध, कांत के लिए समृद्ध। देखेंगे मनुष्य को मनुष्य कहने के लिए मन की जरूरत होती है, यानी मनुष्य से मनुष्य तक जितनी भी जीव राशियां हैं, उन जीव राशियों में ज्ञान किस प्रकार विद्यमान है, कौन सी शक्ति है, पंच शक्ति तक बोलते हैं, एकम द्वय त्रय चतुर्थ पंचम और षष्टम में हम आ गए हैं, इन पंचों ज्ञान बोध रखने वाली जीव राशियां ये नहीं मालूम करने की कोशिश करती हैं कि उन्हें कितनी शक्तियां दी हुई हैं या उपलब्ध हैं, केवल मनुष्य को इन शक्तियों के बारे में जानने के लिए और अपनी शक्ति की पहचान करने के लिए उस शक्ति से दूसरों की मदद करने, शुरुआत में मदद सहायता प्रदान करने के लिए, उसके बाद आती है सेवा, सेवा भाव से प्रेरित होने के लिए निर्मित कला है यह मन समृद्धि कला। संयुक्त संचालन, किसके संयुक्त संचालन, किन किन चीजों का संयुक्त संचालन है, हमारा शरीर
हमारा शरीर रक्त संचालन, उष्ण संचालन, वायु संचालन, इन त्रय संचालन त्रय के संयुक्त संचालन है। आप हमारे बाद हमारे हमारा शरीर किस प्रकार निर्मित है ये जानते हैं, यानी कोशिकाएं स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल्स, वो सेल्स किस प्रकार काम करते हैं, हमारे शरीर में जाने वाले हम जैसे हम सेवन करते करते खाद्य पदार्थ किस रूप में या भोजन किस रूप में परिवर्तित होते हैं, ये सब बलिभांति हम लोग जानते हैं। भोजन सेवन, भोजन ग्रहण करना या भोजन करना ही हमारा धर्म है, यानी उसे रस बनाकर भेजने तक हमारा हमारी हमारा दायित्व रहता है। उसके बाद की चीज जो है रक्त मांस वीर्य मज्जा अस्थि बस मेद, यानी मांस मेद अस्थि मज्जा वीर्य शक्ति तक किसका हाथ है, कहां ये सीख सकते हैं, इसे सीखने के लिए क्या योग्यता हमें हासिल करनी चाहिए, कुछ नहीं। मनोसमृद्धि कला वर्गों में आने पर ये सरल रूप में मिल जाते हैं इनके ध्यान में। शरीर के हमारे कोई भी पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमारे पास जितने भी लोग आ रहे हैं यानी अक्षराभ्यास तक सीमित रखने अपने ज्ञान सीमित रखने वाले लोग योग्य होते हैं, वो बता सकते हैं हमारे शरीर में क्या क्या संचालन है, किस प्रकार ये भोजन परिवर्तित होकर यानी वीर्य शक्ति के रूप में या ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। हमारे वर्गों ने सब जनता को सारी सर्वसाधारण जनता को भी एक दर्जा देकर एक स्थिति देकर उनको सुशोभित किया है, अलंकृत किया है। कला पहले से ही मनोसमृद्धि कला है, उसको सीखने वाले सब जो हैं सीखने वालों को अलंकृत करने की क्षमता इस कला में निर्विवाद रूप से है। इसमें दो विचार के अवसर कभी खड़े नहीं होते। सो इस प्रकार सरल रूप से देखिए हमारे सामने एक बैटरी है, यानी अच्छी तरह निर्मित है, अंदर की तरफ से वो रेस्पॉन्स देने वाला है। अब देखिए इसका रूप कैसे घट जाता है, क्यों घटता है, इसका कहीं कुछ कमी है, यानी स्वीकार्य शक्ति में एक्सेप्टेबिलिटी में कहीं कुछ कमी रहती है, अभाव रहता है। इस दृष्टि से ये बैटरी जो है किस इसका हालत कैसा हो जाता है, इसमें जितने संचालन है वो हमारे शरीर में ही हैं, उपलब्ध हैं। हमारे शरीर में जो संचालन नहीं है, हमारे शरीर में की शरीर के अंदर जो गतिविधियां नहीं है, जो क्रियाकलापें नहीं है, वो बाहर कहीं नहीं पा सकते, किसी भी औजार में आप उसे देख नहीं सकते। शरीर ही एक साधारण उदाहरण है, शरीर ही इस विश्व में आज तक सृजित हुए सारे औजारों सारे टूल्स एंड इन्वेंशंस के मूलभूत तत्व है। इस मूलभूत तत्व को जानना सरल काम नहीं है, लेकिन मनोसमृद्धि कला ने इसे सरल कर दिया है। जब पंचभूतों की संयुक्ति से जनित भौतिक शरीर के अंतर्गत ऊर्जाणुओं का संचालन किस प्रकार होता, देखिए ये ऊर्जाणु हर वक्त एनर्जी हर वक्त अपना धर्म निभाते आ रहे हैं। इनके धर्म निभाने के पीछे कौन सी शक्ति है, अपने आप में ढूंढिए, वो मिल सकता है। महर्षि के कथन है, अपने आप में ढूंढिए, सबके लिए समाधान मिल सकता है। प्रश्न
प्रश्न ही नहीं रहता मनोसमृद्धि कला के अभ्यासियों के लिए, प्रश्न कभी प्रश्न ही नहीं रहता, प्रश्न के लिए एक समाधान मिलता रहता है। इस कला को दैनिक अभ्यास के रूप में, अपने दिनचर्या के रूप में, अपने जीवन के एक अंग के रूप में, या अपने जीवन के समस्त क्रियाकलापों के रूप में ले लें तो हमें प्रश्न ही नहीं, हमारे मन में प्रश्न ही नहीं उठता। सबके लिए समाधान, प्रश्न जैसे ही उठता जाता है उसके अंदर ही उसके समाधान का भी निर्माण इस कला के द्वारा हुआ है। इतनी क्षमता रखने वाली कला समझने के लिए सरल सी कला, सार्वभौमिक कला। देखिए किस प्रकार इस कला का विस्तरण हुआ है। पहले सृजन, सृजन के उपरांत लोक हित के पक्ष में हो यह सच्चिंतन, ये सच्चिंतन से प्रेरित होकर लोग किस प्रकार लाभ, लोगों में प्रचार, पहले अपने आप में इन सब का एक्सपेरिमेंट करते हुए, परिशोधन करते हुए दूसरों के सम्मुख रखना, लोगों में प्रचार करना, लोग किस प्रकार इस कला से लाभान्वित हुए हैं इसकी फिर से शोध अनुसंधान करना, अनुसंधान के उपरांत सत्य के रूप में इसे अपने जीवन में मान लेना, ये सब जो है महर्षि के देन है। जो भी मनोसमृद्धि कला के अभ्यासी के रूप में इस सत्संग में प्रविष्ट होता है, कुछ ही दिनों में उसकी आदतें सराहनीय ढंग से परिवर्तित हो जाते हैं। लोग हित के पक्ष में, सभी देखिए विश्व हित कामना है हमारे पास, शुभकामनाएं देते हैं, कौन सा शुभकामना, ये सब शुभकामनाएं देते हैं सभी जगह पर, ध्यान के समाप्ति पर सबके लिए शुभकामनाएं देते हैं, प्रकृति के प्रति, अपने साथ रहने वालों के प्रति, सारे जीव राशियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं देते जाते हैं। इस कला में हित कहीं अलग रूप से, खंडित रूप से दिखता नहीं है। हित भावना इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। जैसे पंचभूतों की संयुक्ति से जनित भौतिक शरीर के अंतर्गत ऊर्जाओं का संचालन है, इस कला का भी संचालन, कला का भी प्रचलन, कला भी विश्व में प्रचलन इतना वंदनीय है, स्तुत्य कार्य है। यह महान हमारे वेदात्री महर्षि जी के स्तुत्य कार्य है, हमारे लिए बहुत बड़ी देन है। ऊर्जा पाने के मार्ग को इतने सरल रूप में समझाने वाले कोई नहीं हो सकते हमारे पूज्य महर्षि के सिवाय अन्य कोई। भोजन कैसे मिलते हैं, यानी ऊर्जा कैसे मिलती है, ऊर्जा भोजन के रूप में, जल में, भूमध्य भाग के में, वायु और व्योम कांत, इन सब में जैसे मिलते जाते हैं, ये हमारे पाठ्यक्रमों में निश्चित रूप से इनका हृदयंगम किया है हमने, फिर पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं। कला जो है हमें कभी भी अलग नहीं होने देती। मनोसमृद्धि कला के अंदर जितने भी प्रियजन आए हैं उनको फिर ये कला नहीं छोड़ती, वे नहीं छोड़ते नहीं,
कला नहीं छोड़ती। कोई कौन चाहेगा अपने मन को भ्रष्ट करे, कोई कौन चाहेगा अपने तन को भ्रष्ट करे ताकि उसका स्वास्थ्य नष्ट हो जाए, उसका सत्यानाश हो जाए। कोई नहीं ऐसे चाहेगा। प्राण संकट में कोई डालेगा अपने प्राण को? कोई नहीं डालेगा, नहीं डालेगा, क्योंकि प्राण क्या है, ऊर्जा क्या है, जैविक शक्ति क्या है, इसे सरल रूप से समझाकर, यथार्थ रूप से समझाकर लोगों में निस्संदेह स्थिति उत्पन्न कराने का महान कार्य इस कला ने किया है। संचालन त्रय की विशेषता हम जानते ही हैं, मनोसमृद्धि कला। इसके पहले हमारे पास कलाएं कुछ थी, उसको दो यानी वर्गों में बांटा जाता था, यानी उपयोगी कला, उपयोगी कला और ललित कला बोलते हैं, अप्लाइड आर्ट एंड फाइन आर्ट्स बोल के कुछ कलाओं को हम विभाजित किया, हमने विभाजित किया है। वो सब कभी कभार नष्ट होते हैं, शाश्वत नहीं होते हैं, कभी कभार लोगों की रुचि के अनुरूप उसमें परिवर्तन परिवर्तन आते रहते हैं, कई खंडों में विभाजित हो जाते हैं कुछ समय के बाद। यह मनोसमृद्धि कला त्रिकाल में, यानी ये कालजयी कला है। कल के लिए, कल जब महर्षि थे हमारे साथ, उनका सानिध्य का सौभाग्य से हम समृद्ध थे, उस समय भी थी ये कला, आज भी हमारे साथ है, कल भी ये कला निश्चित रूप से जीवित रहेगी, इसका सजीव चित्रण चलता रहेगा। हमारे बाद भी हमारे प्रियजन इस कला को ले जाएंगे, क्योंकि सरल कला है, इस सरल कला इससे लाभ अधिक है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरी नहीं है, सिर्फ अपने को देना है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है इसमें, सिर्फ इस केंद्र में आना काफी है, मनोसमृद्धि कला केंद्र में आना काफी है, बाकी सब ईशता देख लेगी। ईशता क्या चीज है, और इसके लिए जो है हम कुछ अस्पष्ट व्याख्या ही बातें रहते हैं, अस्पष्ट व्याख्या क्या है, सही ढंग से समझाने की कोई प्रयास नहीं किया गया है। सब लोग बोलेंगे ईश क्या है, ईशता क्या है, यहां है, वहां है, उस रूप में, इस रूप में, उसमें है, इसमें है। महर्षि ने बोल दिया, उसमें है तू, तुझ में है वो, कहां है वियोग। इसे इससे सरल ढंग से कौन बोल सकते हैं? मनुष्य अपने जीवन काल में भी, जीवन काल में ही दैविक रूप धारण कर सकता है। कैसे? इसे सही ढंग से किया है। षष्ठ गुण होते हैं, इनको सुव्यवस्थित करने से हमने पढ़ दिया है, षष्ठ गुणों को सुव्यवस्थित करने से दैविक व्यवस्था के साथ हम जुड़ जाएंगे। किस प्रकार जुड़ते हैं, किस प्रकार उससे विलग होते हैं अज्ञान की अवस्था में, अज्ञान आ को अलग कर दीजिए, ज्ञान हो जाएगा। कभी ज्ञान से आप अलग हो जाएंगे तब आ जुड़ जाएगा, अज्ञान हो जाएगा।
कभी भी ये जो है जब आ का जुड़ाव प्राय है मंगलमय नहीं होता, मंगलमय न होने की स्थिति में आप देखिए यही आ जाएंगे। कब? अज्ञान की अवस्था ही हमें पहले मतिभ्रष्ट करने का प्रयास करेगा, उस प्रयास में हम बहकर पहले पीड़ा का अनुभव करेंगे, फिर अपनी पीड़ा को सही ढंग से ध्यान दिए बिना उसके समाधान या निवारण के पक्ष में प्रयास किए बिना अज्ञान अवस्था में ही डूबकर पीड़ा को रोग में परिवर्तित कर देते हैं। जब रोग अपनी सीमा पार जाती है, प्यार जाता है, तभी जाकर के यह तीसरा वर मिल जाएगा, मृत्यु। यानी पीड़ा, रोग, मृत्यु, इसे सरल ढंग से बताने वाली कला है हमारी कला अज्ञान अवस्था में। यानी कैसे होता है ये पीड़ा और रोग, कहां क्रम छूट जाता है, कहां ये श्रृंखला छूट जाती है? तन में छूटती है, प्राण में छूटती है, मन में छूटती है, या इन सबके सब में छूट कर कांत वलय को भी नष्ट कर देती है? कहां हम छूटते हैं? वेर वी आर डिफॉल्टिंग अवरसेल्व्स, पंच परिमाण के क्रम में हम छूटते हैं। यह है उन्होंने कायाकल्प योग में सरल ढंग से उन्होंने कहा है। स्तुत्य है आहार, परिश्रम, आराम, सहवास, विचार, इन सब में परिमाण और क्रम के ज्ञान के बिना जब हम जीवन यापन करते रहते हैं, जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं, तब जाकर के सारे प्रकार के सभी प्रकार के विपरीत परिस्थिति यों से पीड़ित हो जाते हैं हम पहले। यानी शारीरिक रूप से पीड़ित, शरीर पीड़ित है, शरीर पीड़ित होने की वजह से मन पीड़ित हो जाता है, मन भी पीड़ित हो जाने पर शरीर और मन के संचालन में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं। जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं उनकी अपनी स्थिति के अनुसार रोग बताया जाता है। रोग को भी हम नामित करने में, नामकरण करने में माहिर हैं। रोग की स्थिति देखते हुए, रोग की अवस्था के अनुसार रोग को नामकरण भी कई प्रकार से करते आ रहे हैं। आप रोग के नामकरण के बारे में आप जानते ही हैं, कौन कौन सी प्रकार की व्याधियां हैं ये सब जानते ही हैं। दिनचर्या में या कोई कोई अपने पास ये जो है मामूली रूप से ब्लड प्रेशर या रक्तचाप या शुगर बोलते हैं, उससे हम कौन कौन से नामकरण से इन रोगों का ही हो जाता है। जब सब अनुमान से पार हो जाते हैं, कल्पनातीत हो जाते हैं, तब जाकर के मृत्यु रूपी उपहार मिल जाता है। इसे इतने सरल ढंग से साधारण जनता भी समझ ले, इस दृष्टि से प्रस्तुत कराने वाले
हमारे पूज्य महर्षि की, इस कला हितैषी नहीं तो क्या हो सकती है। जीवन के हर कार्य के लिए हमें अपनी शक्ति की पहचान या क्षमता की पहचान से पहले परिपूर्णता अवस्था प्राप्त कर लेना है। हमारी क्षमता क्या है, हमारी शक्ति क्या है, हम किस बल पर आधारित हैं, किस शक्ति पर आधारित हैं, हम कैसे इस विश्व में जीते आ रहे हैं, किस पर हमें रोक करना है, लगाना है, किस पर परिमाण का अनुरक्षण करना है, ये सब जानना है। इन सब को जानने के लिए बड़े अच्छे ढंग से पाठ्यक्रम का सृजन हुआ है, पाठ्यक्रम का गठन किया गया है। आहार, परिश्रम, आराम, सहवास, विचार, इनमें परिमाण क्रम है। क्रम क्या है? प्राकृतिक अनुरूपता, यानी प्रकृति के विरुद्ध कुछ नहीं करने का। इन पांचों में आहार में अप्राकृति ढंग से कुछ सेवन नहीं करने का, परिश्रम में भी अप्राकृति ढंग से अप्राकृतिक ढंग से अपना कर विपरीत परिस्थितियों में पीड़ित नहीं होना है। आराम करते समय भी आराम जब परिमाण पार जाता है वही हराम हो जाता है। जब आराम हराम है उसे धारण करने वाले मनुष्य नमक हराम हो जाता है। सहवास यानी गार्गस्त ग्रस्त जीवन में किस प्रकार जीना है, और अंतिम रूप में पिछले हफ्ते में अब्तम यानी कुछ हफ्ते पहले हमारे प्रिय प्राध्यापक नरेश जी ने भी विचार के बारे में कहा है। ये विचार का किन किन का रूप है, कैसे धारण कर लेता है, किस प्रकार आदमी को नष्ट करता है, किस प्रकार उसे ऊंचे ऊपर उठाता है, ये सब उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने समझा। ये विचार भी लीजिए, उसके लिए क्रम होते हैं। प्राकृतिक अनुरूपता यानी परिमाण और क्रम में प्राकृतिक अनुरूपता, यानी उसको उससे उपेक्षा भी न करना है, सीमाबद्ध करना है। उपेक्षा उसके लिए परिणाम कुछ और होंगे। इन सब को यानी इस पंच परिमाण और क्रम को ध्यान में रखते हुए जब हम कार्य प्रवृत्त होते हैं या कार्यरत हो जाते हैं, तब जाकर के देखिए मन कहीं और है, कहीं और नहीं है। इसमें दौड़ के आएगा मन चंका है तो कटौती में गंगा, यानी मन संचालक भी है इस शरीर का। मन उस संचालन के अच्छी अनुभूतियों को फिर से वो भोगने वाला भी है। मन सृजक भी है क्रियाकलापों का, मन उसका कंस्यूमर भी है। मन सृजक भी है, कंस्यूमर भी है, क्योंकि शरीर से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उससे मन भी संतुष्ट, तन भी संतुष्ट, मन भी संतुष्ट, प्राण भी संतुष्ट। उससे बढ़कर ये शरीर का कांत परिधि जो है, पांत परिधि की सुदृढ़ हो जाती है। वो परिधि जो मैग्नेटिक सर्कमफ्रेंस होता है वो सुदृढ़ हो जाता है। उस सुदृढ़ीकरण से ये हमारे न केवल तन, न केवल मन, न केवल प्राण, न केवल ये कांत, ये पूरा विश्व ही जो कांत तत्व पर आधारित है वो भी समृद्ध हो जाएगा। यदि एक आदमी के मन में मन चंका है तो कटौती में गंगा, ये रविदास ने कहा है, पूज्य संन्यास संत महोदय ने कहा है। इसमें देखिए यह जो है इसे वैश्विक रूप दे देते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए
विश्व में ले जाते हैं तो, प्रपंच में ले जाते हैं तो, शुद्ध शक्ति में, शुद्ध शून्य में ले जाते हैं तो ये क्या है, यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ सब समृद्धि ही होगी, समृद्धि ही होगी, समृद्धि के सिवाय कुछ नहीं है। यह हितैषी के नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यानी जीवन का तत्व को इस प्रकार बांटा है, चार में बांटा है, आवश्यकताओं के रूप में, सुरक्षा के रूप में, धर्म नियम के रूप में, ज्ञान स्थिति के रूप में, बड़े अच्छे ढंग से किया है। सदाचार और यह हमारा जीवन अलग नहीं है। सदाचार जैसे हम बोलते हैं ध्यान के समाप्त में, सदाचार द्वय संस्कार भी पढ़ते आ रहे हैं, और इसमें यानी जीवन के तत्व इस प्रकार विभाजित कर सर्व जनता भी यानी सामान्य जनता भी इसे भली भांति समझ लें, इस स्थिति से एक पाठ्यक्रम का सृजन करने वाले हमारे पूज्य महोदय, पूज्य महर्षि के कितनी बार मैं वंदना करूं तो वो कम ही पड़ेगा। अब देखिए आवश्यकताओं में भूख प्यास, सब लोगों को एक भूख प्यास है, किस प्रकार तापमान में बदलाव यानी स्वाभाविक मलादि की प्रेरणा, स्वाभाविक रूप से ये आवश्यकताएं हैं, इसीलिए इसे अप्राकृतिक रूप से नहीं करने का, प्रकृति की अनुरूप प्राकृतिक अनुरूपता लानी है इसमें, सुरक्षा प्राकृतिक आवेश यानी जिस प्रकार हमें अभी चेन्नई में गत दिनों में लोग अस्त व्यस्त हो गए, किसकी वजह से आप माल आपको भली भांति मालूम है, दोहराने की जरूरी नहीं है, प्राकृतिक प्रकोप या आवेश उससे रक्षा कैसे पाएं, अन्य जीव की दुश्मनी से रक्षा कैसे पा लेते हैं, अकस्मात उत्पन्न होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे अपने आप को रक्षा कर ले से कर सकते हैं, इन सब के बारे में सरल ढंग से यानी धर्म नियम आता है, ये आध्यात्मिक पक्ष में आ जाइए, इसके पहले आर्थिक पक्ष यानी इस जीवन में विश्व में रहते हुए जीवन करने जीवन यापन करने वाली सारी जनता की आवश्यकता और सुरक्षा सुनिश्चित होने पर धर्म की ओर आध्यात्मिक पक्ष की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तभी जा करके मन जो है तन प्राण जब स्वस्थ होगा तभी जा करके मन की ओर ध्यान आकृष्ट होगा। मन सदाचार कर्तव्य उदारता, सदाचार किस प्रकार, कर्तव्य हम सबके ऋणी हैं इस विश्व में रहते हुए, क्योंकि हमारे भोजन से लेकर वस्त्र से लेकर अन्य अन्य सुविधाओं को जो है जिसका अनुभव हम कर रहे हैं भोगते आ रहे हैं वो सब किसी की दी हुई चीज है, किसी की दी हुई वस्तुएं हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। और ज्ञान की स्थिति में पहले विश्वास करना है, यानी विश्वास यह विश्व कैसा है, विश्वास के बिना यह विश्व नहीं है, इसलिए विश्वास करना है पहले, उस विश्वास में विवरण मिल जाएंगे आपको, समाधान मिल जाएंगे, समाधान जब विश्वास अनुसंधान के रूप में हो जाता है तो उसमें दिन ब दिन प्रति गण एक एक क्षण आपको प्रकृति से ईशता से विवरण मिलते जाएंगे, समाधान मिलते जाएंगे, इन समाधानों से आप जब समृद्ध हो जाते हैं संपूर्णता की प्राप्त हो जाते हैं, वही ज्ञान वही
मुक्ति। देखिए सदाचार में विचार वचन कर्म, इसमें कभी भी स्वयं को लाभ के पक्ष से वंचित नहीं करना है, दूसरों को भी। जब स्वयं को नहीं करने का अधिकार नहीं है तो आपको दूसरों को लाभों से या दूसरों की सुख संपदाओं से उन्हें वंचित रखने का कोई अधिकार नहीं है आपको। अपने शरीर को या किसी के शरीर को, मन को या अब या भविष्य में दुख नहीं पहुंचाना है। वो कुरीति हो सकती है। ये न महान तत्व को सम्मिलित करने वाली महान कला इन सारे तत्वों के सम्मिलित रूप है। इसे हितैषी कहें ना कहें तो और क्या कर सकते हैं। जो अवसर मुझे प्रदान किया गया है उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए पुनः आप लोगों से भेंट होगी। जिए संसार, जिए समृद्ध। धन्यवाद। आज मनो समृद्धि कला तन प्राण मन कांति की हितैषी, एक अच्छी रूप से एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं, मन तो क्या है, मन की विकास तो क्या है, समृद्धि का मतलब तो क्या है, मन समृद्धि कला एक ललित कला कैसे है, और मन संगा तो कटौती में गंगा, इस तरह मृदुल वचन से एक गंभीर वाणी से हम सबको समझाने के लिए सभी श्रोतों की ओर से हम इस प्रवचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जी। अब सवाल जवाब के लिए मंच खुला है। अपने प्रश्न पूछने के लिए कृपया अपने जूम ऐप में हाथ बढ़ाए बटन पर क्लिक करें। सवाल जवाब सत्र शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। कृपया अपने सभी निकट और प्रिय जनों को कायकल्प योग सीखने और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करें। आप वेबसाइट kayakalpyog.edu.in में जाकर या अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करके आसानी से अपने घर में कायकल्प योग सीख सकते हैं। हमारी मासिक पत्रिका अनबुली ऐप भी उपलब्ध है। आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से अनबुली ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। नाममात्र की सदस्य पर स्वामी जी के बहुमूल्य वचनों की रिकॉर्डिंग प्रेरित करें। स्काई योगा टीवी, फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़े आओ। अपने प्रिय प्रोफेसरों के सभी पुराने प्रवचनों को सहज सुन सकते हैं। वेदांतियम के कर्मयोग सिद्धांत, समाज के अच्छे कारणों के लिए आय का 1% दान करने का सुझाव देता है। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते हैं, ये दान व्यय नहीं बल्कि निवेश है। आप एक अच्छे कर्म के रूप में भुगतान करते हैं, उससे कहीं अधिक आपको मिलता है। हम आपको अनबुली ऐप के माध्यम से या हमारी आधिकारिक वेबसाइट vedatri.edu.ke इनके माध्यम से विश्व समुदाय सेवा केंद्र में दान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इन दान के लिए धारा 80G छूट उपलब्ध है। हम इन दाताओं को धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कल भुगतान किया। अब हम प्रश्नोत्तर सत्र के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कृपया अपने नाम और स्थान के साथ अपना परिचय दें। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने प्रश्नों को सीधे बताएं।
कोई हैंड राइज है? जी ए समृद्ध, मेरी तरह से एक सवाल है मैम, अगर हाँ आप अनुमति देंगे सर, तो। जी सर कनन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया आपका प्रवचन था। हम अगर जैसे मनुस्मृति कला सीख के हम उसका रोज अभ्यास करेंगे तो कितने दिन में इसका फल हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं? जी समृद्ध जी, ये संसार कितने दिन में नहीं है, उसमें लगाओ, रुचि, रुचि के आधार पर है। यानी हर एक मनुष्य की रुचि में कुछ, यानी एक ही प्रकार की रुचि हो नहीं होती है सब में। यानी शुरुआत में, प्रारंभ में आते समय लोग जो हैं इस क्षेत्र से जो हैं बिल्कुल वो एक प्रकार से जो हैं अनभिज्ञ हैं, वैसे अज्ञानी हैं वैसे इसके। सो उनके रुचि और लगाव पर आधारित है इसका फल परिणाम। यानी और एक बात है, फल की प्रतीक्षा में किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होने का है। यानी हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवृत्त होते समय फल की प्रतीक्षा करते हुए, यानी परिणाम की, शुद्ध सद परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए कोई भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होने का है। लेकिन निश्चित रूप में जिस तरह पढ़ाया जाता है उसे निर्बाध रूप में, यानी लगातार प्रयास निरंतर करते आए तो परिवर्तन, यानी परिवर्तन माने परिवर्तन और परिवर्धन, अपलिफ्टमेंट जो है आपके लिए कोई, उसके लिए कोई मात्रा ही नहीं है, वो प्रचुर मात्रा में मिलती रहेगी। मनोसमृद्धि कला ही नहीं, ये हमारे पूज्य महर्षि के द्वारा प्रदत्त कला है। इसमें हमें जो है किस प्रकार लाभान्वित होते हैं, ये जो है पहले से ही अनुसंधान द्वारा अपने शरीर को ही उन्होंने एक लेबोरेटरी के रूप में, प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग कर बाद में इन्होंने बताया है कि ये कला किस रूप में सर्वजन सामान्य जनता को भी लाभप्रद है। आप जानते भी होंगे महिलाओं के लिए ध्यान, महिलाएं ध्यान से वंचित थी, वैसे कोई भी ध्यान या कहीं जाकर के यानी प्रार्थना कर सकती हैं, ध्यान के लिए कोई ये नहीं है वैसे, उनके लिए पहले से वो वंचित थी वैसे। इसमें वो ये नहीं है, प्रतिबंधन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आ सकते हैं, कोई भी सीख सकते हैं। यानी इसके लिए मैंने पहले ही बताया योग्यता के लिए नहीं है, सिर्फ अपनी सहभागिता की जरूरत है सर। सहभागिता के आधार पर ही कला किस प्रकार हमारे मन तन प्राण में परिवर्तन परिवर्धन लाता रहता है, यह जो है आप उनके अनुभव से भी से ही पूछ सकते हैं सर। धन्यवाद जी, मुझको भी एक सवाल है इस भाषण से। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं सर आप? यानी आप समझ लीजिए, कोई भी कार्य पूरे मन से आप करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। यानी उसका रूप, कार्य रूप जो है, कार्य रूप में ज्यादा समय नहीं लगता, अधिक समय नहीं लगता। अगर किसी कार्य को आप अमन से, यानी पूरे मन से, या उसे करना ही नहीं चाहती आप, उसे किसी विवशता में कर रहे हैं, लाचार होकर कर रही हैं, माने उसका कार्य रूप कैसा होता है, एक्सीक्यूशन कैसा होता है, आप अपने जीवन में जितने भी हर दिन अपने कार्यों में जो है, अपने क्रियाकलापों में इसको पा सकते हैं। आप किसी भी कार्य में प्रवृत्त होने से पहले पूर्ण मन से, हमारे लिए पूर्ण मन लाने के लिए क्या बोलते हैं हम, एक प्रकार से स्थान शुद्धि बोलते हैं, उसके बाद यानी हमारे दैविक शक्ति को प्रवाह कर लेते हैं, उसके बाद दैविक संरक्षण भी कर लेते हैं, उसके बाद माता जी पिताजी गुरु जी को भी प्रणाम कर लेते हैं। इन सब में करते करते क्या आ जाएगा, मन कार्य रूप हो जाएगा किसी भी। अब देखिएगा, कोई भी मनोसमृद्धि कला के
अध्येता जो है, अध्येता या जो अभ्यास करने वाले होते हैं, तुरंत वो लोग जो है संकल्प या यानी दैविक संरक्षण डालते हुए अपना कार्य प्रवृत्त करते हैं। आप देख, आप अपने को जो है, अपने आपको भी देखिए या दूसरों को जो इस कला में है, इस क्षेत्र में है, उनको भी देखिए। ये दैविक संरक्षण के साथ शुरू करते हैं, यानी दैविक संरक्षण आपके मन को सुदृढ़ कर देता है। जैसे सुदृढ़ कर देता है माने प्रतिफल, यानी उसके लिए एक फल की प्रतीक्षा करते हुए बैठने की जरूरत ही नहीं है। वैसे जो फल होगा, जो आप जो कार्य कर रहे हैं उसके, वो सत्कार्य ही होगा, उसका फल भी सत परिणाम ही होगा, दुखद परिणाम की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें। इसलिए कहा गया है, यही मन चंका है तो कटौती में गंगा। कटौती माने एक बवल होता है, उसमें भी गंगा आ सकती है, उसमें भी गंगा आ सकती है। ऐसे आप सोचिएगा, इस क्षेत्र में आप आने के पहले आप मन के बारे में क्या जानती थी, या इस तन की वैज्ञानिक गठन के बारे में आप क्या जानती थी, या प्राण क्या चीज होती है। कभी कभार बोल देते हैं मेरा जान ले रहा, ये यदि कोई जान लेता है तो फिर वो कैसे जीवित रहेगा। मेरा दिमाग खराब कर रहा है, दिमाग खराब करने के बाद वो मनुष्य के पास मन कैसे रहेगा। यानी अनायास ही हमारे मुंह से ये शब्द उठ बैठता है कि मेरा जान लेता है, मेरा प्राण संकट में डाल देता है। ठीक है, मैं प्राण या जान लेने के बाद उस शरीर के लिए क्या स्थिति होगी, शव बनना चाहिए ना, वैसे उसको प्रेत बनना चाहिए ना, नहीं बना लेते अनायास की वो हमारे मुंह से पहले से ही उठ जाता है, मुंह से बोल उठते हैं। लेकिन वो मन क्या, तन क्या, ये चीज के अवगत होने की, इसकी अवगति से हम क्या कर देते हैं, सही ढंग से अपने कार्य में प्रवृत्त होने के प्रयास करते रहते हैं। वो प्रयास सत प्रयास हो जाता है, उसका परिणाम जो सुख परिणाम ही है, दुखद परिणाम कभी नहीं हो सकता। यही मन चंका है तो कटौती में गंगा। बहुत धन्यवाद जी। और कुछ प्रश्न है? लोग भी कम होते जा रहे हैं। ओके, अब हम प्रश्नोत्तर सत्र के अंत के आ गए हैं। सभी सवालों को जवाब देने के लिए धन्यवाद जी। एक बार फिर अपने बहुमूल्य विचार साझा करने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आइए हम सभी प्रोफेसरों को धन्यवाद देने के लिए तुरियम पर आ जाएं। स्काइप अध्यापक तारा मुरली मैम जीए समृद्ध, स्काइप अध्यापक नारायण कनन जी जीए समृद्ध, उनकी अच्छी सेहत जीए समृद्ध, उनके परिवार जीए समृद्ध, उनकी दिव्य सेवा जीए समृद्ध। दिव्य शक्ति आपको और आपके परिवार को अच्छी सेहत, दीर्घायु, समृद्धि, परम ज्ञान एवं शांति प्रदान करें। कल रविवार अलियार ज्ञान मंदिर का कार्यक्रम का ब्योरा बताए हुए हमें खुशी हो रही है। सुबह 5:30 बजे तमिल में नवकेंद्रीय ज्ञान, सुबह 6 बजे तमिल में व्यायाम, सुबह 7 बजे अंग्रेजी में नवकेंद्रीय ध्यान, सुबह 7 बजे घोषणाएं, सुबह 10:50 का तमिल में ध्यान और महर्षि कविता अर्थ के साथ, सुबह 11 बजे तमिल में प्राध्यापकों को विशेष संगोष्ठी, शाम 6 बजे तमिल में पंचभूत नवग्रह ध्यान, शाम 6:30 बजे तमिल विशेष संगोष्ठी पुनः प्रदर्शन, शाम 7:30 बजे अंग्रेजी में पंचभूत नवग्रह ध्यान, शाम 8 बजे माइंड द बिगिनिंग एंड एंड स्काई प्राध्यापक पुष्पलता बैंगलोर से उनकी द्वारा कन्नड में प्रवचन। कृपया अधिक भागदारी के लिए साझा करने में समर्थन करें। हम अपने प्रिय प्रमुख पद्मश्री एस के महिलानंदम जी को उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप सबसे कल पुनः बैठे और करने की आशा करते हैं। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। पूरे विश्व में सुख समृद्धि और शांति हो। शांति
शांति शांति ही।